प्रधानमंत्री मोदी भले ही चुनावी सभा को संबोधित करके लौट गए, लेकिन उन्होंने जनसभा के दौरान जो बातें कही उस पर सूबे के नेता एक दूसरे पर जबरदस्त हमला बोल रहे हैं। और इसी क्रम में सूबे के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने नेता प्रतिपक्ष के सभी सवालों पर पलटवार किया, आपको बता दें, जो कि उन्होंने प्रधानमंत्री की सभा को लेकर उठाई थी। सुशील मोदी ने ट्वीट कर नेता प्रतिपक्ष से 5 सवाल पूछे हैं और उनमें से ये 5 सवाल हैं। पहला, राजद ने 3,000 बसें और कांग्रेस ने 1,000 ट्रेनों का किराया देने का जो वादा किया था उसका क्या हुआ? दूसरा सवाल, बिहार लौटे 16 लाख मजदूरों को 14 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में रखने की व्यवस्था राज्य सरकार ने की, राजद कांग्रेस ने मजदूरों की मदद के लिए क्या किया? तीसरा, जब मजदूर लौट रहे थे क्वारंटाइन सेंटर में थे तब राजद के नेता प्रदेश से बाहर क्या कर रहे थे? चौथा सवाल, सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले मजदूरों के जांच, इलाज, नाश्ता, भोजन का इंतजाम किया, भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खुद मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉनिटरिंग की, क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन बिताकर घर जाने वालों को चटाई, मच्छरदानी, धोती साड़ी मुफ्त दिए गए, प्रत्येक व्यक्ति पर सरकार ने 5,330 रुपये खर्च किए। जो लोग चुनाव के समय बड़े बड़े वादे कर रहे हैं उन्होंने मजदूरों के लिए क्या मदद किया? पांचवा सवाल, एनडीए सरकार ने जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 6 लाख मजदूरों को उनके घर के पास काम किया, 26 साल की उम्र में करोड़ों रुपयों मूल्य की बेनामी संपत्ति बनाने वाले तेजस्वी प्रसाद ने कितने गरीब परिवारों को राशन भिजवाया? आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा खत्म होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम मोदी से 10 सवाल पूछे, जिसके तहत अब तेजस्वी के सवालों पर बिहार के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने पलटवार किया है और उनसे 5 सवाल पूछे हैं। नेशन न्यूज की रिपोर्ट।